बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं अंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। सपा सुप्रीमो के ऐलान के बाद धामपुर में पूर्व राज्य मंत्री मूलचंद चौहान को पुलिस ने किया नजरबंद। केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में जहाँ देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर पर 11 दिनों से डटे हैं। अब इस आंदोलन को सभी विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार से किसानों के समर्थन में पदयात्रा का ऐलान किया है। उनके द्वारा किए गए ऐलान के बाद शासन प्रशासन सक्रिय हो गया है और आज सुबह 6 बजे स्थानीय पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने पूर्व राज्य मंत्री मूलचंद चौहान के धामपुर में ग्राम नौरंगाबाद स्थित आवास पर पहुंचकर उन्हें नजरबंद कर दिया, जिसके बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी अजय कुमार अग्रवाल, SDM धीरेन्द्र सिंह, कोतवाल अरुण कुमार त्यागी आदि मैं पुलिस बल के साथ मौके पर डटे रहे। इस मौके पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व राज्य मंत्री मूलचंद चौहान ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों और विधानसभाओं में सड़क पर उतरकर किसानों के आंदोलन के समर्थन में लोगों को जागरूक किया जाना था, लेकिन उत्तर प्रदेश की दमनकारी सरकार ने हमें नजरबंद कर आपातकालीन स्थिति की याद ताज़ा करवा दी। लेकिन वो यह नहीं जानती कि जनता ने यदि ठान लिया तो वह वोट की चोट देकर उसे सबक सिखाने का काम करेगी। बिजनौर एक्सप्रेस से हमारे संवाददाता दिनेश कुमार प्रजापति की एक खास रिपोर्ट। आज क्या कार्यक्रम है? आज 7 तारीख से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी द्वारा प्रत्येक जनपद के साथ साथ हर विधानसभा क्षेत्र में किसान आंदोलन के समर्थन में शहर शहर गली गली कूचे जाकर जो हमारे किसान भाई कृषि बिल को लेकर जो 3 बिल केंद्र सरकार लाई है उसके विरोध में उनको करने के लिए धरना चल रहा है, उन्हीं के समर्थन में हर विधानसभा क्षेत्र में गांव गांव जाकर किसानों को जगाने के लिए और इस बिल को समाप्त करने के लिए पार्टी का एक कार्यकर्ता आज सड़कों पर है और उत्तर प्रदेश सरकार ने आज वो हालात पैदा कर दिए पूरे प्रदेश में और देश में एक घोषित इमरजेंसी के रूप में कार्यकर्ता है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को उनके घर पर नजर बंद किया जा रहा है, घर से निकलने नहीं दिया जा रहा। सुबह 6 बजे बहुत बड़ी मात्रा में फोर्स घर पर पहुंच गई और सभी को रोकने का बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, हर वर्ग के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है।